किसानों को फसल कटाई के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें मिल जानी चाहिए, ठीक है? जी भाई साहब। और हाँ, हमने नगर से रावण दहन के लिए किसी को विस्फोटक सामग्री लाने के लिए भेजा है, वो आता ही होगा। और जैसे ही वो आ जाए उसे शीघ्र से शीघ्र पूजा मंडल तक पहुँचा देना। जी भाई साहब। चलिए माँ। अच्छा देख, अच्छा अपने भाई से मिलने से पहले दही खान खा लो। आपको क्या लगता है जब पट्टा ठीक रहेगा चित्तौड़ संदेश भेजने के लिए? उसे भेजने से तो अच्छा है लोगों की बात मानकर बिचौलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना अधिक ठीक नहीं रहेगा? माँ, हमारे भाई को इतना भी भला बुरा मत समझिए। ये बात हास पर ही हास की नहीं है अजब्ते। पट्टा के पिताजी ने राणा उदय सिंह जी के साथ रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर किए थे। बिचौलिया के साथ नाता क्या टूटा, देवान ने तो जैसे सब कुछ भुला ही दिया। पट्टा के पिता के जैसे अनगिनत बिचौलिया वीरों को, उनके बलिदान को भूल चुका है मेवाड़। ताने ताने की तरस रहा है उन वीरों का परिवार। इतना सब कुछ सहने के बाद जाएगा पट्टा उन्हीं राणा उदय सिंह जी के पास सहायता का संदेश लेकर चित्ता। अरे वाह दादा भाई, हमें नहीं पता था कि तलवार चलाने वाले हाथ भी माला पिरोने वाली सुई के साथ इतनी निपुणता दिखा सकते हैं। बड़ी ही सुंदर माला गूंथ लेते हैं आप तो। ये कला किसने सिखाई आपको दादा भाई? आपकी माँ ने? नहीं, यह हमारी माँ के नहीं होने ने। पता है दादा भाई, हमें अपनी रानी माँ से इतना भय लगता है कि हम उनसे कुछ सीख ही नहीं पाते। आप सुखी हैं, है ही नहीं आपकी माँ आपके? कभी नहीं करना ऐसी बात, समझ गए आप? आपकी रानी माँ संसार की सबसे अच्छी माँ है, बस आपको उनसे भयभीत होना ही तो छोड़ना है। मत डरिए उनसे। और वैसे भी आपको किसी से भी डरने की क्या आवश्यकता है? कुंवरपता आपकी बहन है, साधारण लड़कियों की तरह डरना सहम जाना शोभा नहीं देता आपको। लो तो दोनों भाई बहन बैठकर यहां पर बातें कर रहे हैं, और वहां रावण दहन स्थल पर लोगों ने आकाश गुंजा दिया है कुंवर प्रताप की जय जयकार से। अब चलिए जल्दी कीजिए कुंवर प्रताप। माँ, पट्टा संवेदनशील है, तभी तो हम जानते हैं कि वो इतने सालों से जिसके हाथों में हम राखी बांधते आए हैं वो हमारी राखी का मान अवश्य रखेगा, और हमारी प्रार्थना से चित्तौड़ की ओर संदेश जरूर ले जाएगा। अच्छा, हमने तो बहुत पहले ही आपके निर्णयों का विरोध करना बंद कर दिया था, फिर आज कैसे विरोध कर सकते हैं? बस हमें चिंता है तो आपके सम्मान की, कहीं इस बार फिर चित्तौड़ का राज परिवार आपके सम्मान और विश्वास को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी सहायता के लिए भिजवाए गए इतने सारे संदेश राणा उदय सिंह जी तक पहुंचे ही ना। किंतु हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इतने सारे संदेश मिलने के बाद भी राणा जी ने उन पर ध्यान ही ना दिया, और ये भी हो सकता है कि उन संदेशों की भनक तक ना पड़ने दी हो कुंवर प्रताप को। सम्मान को तो कभी ठेस पहुंचाई नहीं है उन्होंने, पर हाँ, मन अवश्य दुखाया है। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब्ते, प्रेम मर गया है। जानते हैं
सब कुछ जानते हैं। माँ है ना? देखा, बातों बातों में कितना समय बीत गया। अब हमें चलना चाहिए। कभी तो ईश्वर वो दिन दिखाएगा जब आपके हर उस दुख का जो उन्होंने आपको दिए उसका पूरा पूरा न्याय हो जाएगा। पत्ता, अजब देव भाई साहब आए तुम्हें खोजते हुए। क्या जीजा स्वयं आ गई है? कितनी बार बोला पट्टा को कि भले लोगों के भांति रहने का आरंभ कर दे अब, पर नहीं, पशुओं की तरह रहेगा। कितनी बार भी बोलो सुधरेगा नहीं है। जीजा ऐसे रहते? हाँ ऐसे रहते जीजा, बोला? जीजा, नहीं, कितनी नहीं, बार नहीं, बोला नहीं, कि भले लोगों के साथ जीजा, करो क्षमा कर, सुनते ही नहीं, 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 तुमने ये घर की अश्वशाला, बोलो। आज से आप माँ के साथ महल के बाहर वाले कक्ष में रहेंगे। यहाँ पर रहकर आप सुधरने वाले नहीं है। पर जीजा, फिर हम सीमा का ध्यान कैसे रखेंगे आक्रमणकारियों से? अच्छा, सीमा का ध्यान कैसे रखते हैं बताए आपको? अफगान छावनी में जाकर छुपते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें डरा कर उन्हें मारकर भगा देते हैं। हम तो वहाँ केवल मवेशियों को छुड़ाने गए थे जीजा, जिन्हें वो अफगान हमारी सीमा से चुरा कर ले गए थे। तो सीमा पर मवेशियों को बांध कर अफगानों को लालच किसने दिया ताकि वो उन्हें वहां से ले जाए और आपको उनसे लड़ने का एक और बहाना मिल जाए, है ना? जीजा, ये आपको कैसे पता चल गया? आप जानते हैं ना, हमें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। अब बताइए, क्या आवश्यकता थी आपको इतना जोखिम उठाने की? आप जानते हैं ना कि एक बार आपको क्रोध आ जाता है तो फिर आप पागल हो जाते हैं अपने क्रोध में, फिर आप किसी की भी नहीं सुनते। इसीलिए कहती हूँ कि अपने आप पर थोड़ा संयम बनाकर रखिए। जीजा, हमने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया है। अब वो अफगान बिजोलिया के अंदर कभी नहीं आ सकते। इस बार हमने उनको इतना मारा है कि दुम दबाकर भागे हैं सारे। और वैसे भी इतने समय से हमारे हाथ पांव अकर रहे थे, तो सोचा कसरत अफगानों के साथ ही कर ली जाए। तो फिर ठीक है, चित्तौड़ जाकर भी तो आपकी कसरत हो ही जाएगी ना। हाँ, आपको हमारा संदेश ले जाना होगा चित्तौड़ हुकुम के पास। अच्छा, तो अपने गौने का संदेश भिजवा रही है मेरे हाथ? अपनी बड़ी बहन के साथ परिहास करने का दुस्साहस इस तरह कभी मत करना। परिहास तो चित्तौड़ वाले कर रहे हैं आपके साथ चीचा। नहीं, हम वहां कदापि नहीं जाएंगे। जिस धरती ने हमारे बलिदान को मान नहीं दिया, जिस धरती ने हमारी जीजा को सम्मान नहीं दिया, उस धरती पर हम पांव तक नहीं रखेंगे। धरती तो हमारे माँ के समान होती है ना, तो फिर हम इसे टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं?
ये उसकी धरती है, ये हमारी धरती है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सोच सकते हैं भला हम? अगर हम ऐसा करेंगे ना फत्ता, तो ये धरती ना उसकी रहेगी ना हमारी, ये किसी और की हो जाएगी, उसकी जो सीमा पर घात लगाए बैठे है। माना कि आज आपने उनके कुछ साधारण सैनिकों को मार भगाया, परंतु कल क्या होगा जब पूरी की पूरी अफगान सेना हमारे सामने आएगी? क्या करेंगे हम? इसीलिए हमें एक साथ मिलकर रहना होगा ना, इसीलिए हम चाहते हैं फत्ता कि आप हमारा संदेश लेकर चित्तौड़ जाए हुकुम के पास। तो इतने दिनों से कहाँ थे कुंवर प्रताप? हमारे भेजे गए इतने संदेशों का किया क्या उन्होंने, बताइए जीजा। पता नहीं, शायद उन तक हमारे संदेश कभी पहुंचे ही ना हो। यहां बैठकर हम कैसे जान सकते हैं? इसीलिए तो हम चाहते हैं फत्ता कि आप व्यक्तिगत रूप में जाकर हुकुम से मिले और उन्हें हमारा संदेश दे और हमें पूरा विश्वास है कि अपनी मातृभूमि के लिए हुकुम हमेशा तट पर रहेंगे। ठीक है, हम चित्तौड़ जाएंगे, किंतु केवल इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। की जय, गौर प्रताप की जय, गौर प्रताप की जय, की जय, गौर प्रताप की जय, गौर प्रताप की जय, गौर प्रताप की जय। नहीं जीजा, कदापि नहीं, हम आपको चित्तौड़ नहीं ले जा सकते। पता, आप हमारे कहने का अर्थ नहीं समझे। हम आपके मन में रहेंगे, भले ही हम आपके साथ चित्तौड़ ना जा रहे हो, पर वहां पर हमारे संदेश के साथ साथ हमारी भावनाएं, हमारी शुभकामनाएं, और हाँ, आपके लिए कुछ दिशा निर्देश भी आपके साथ जाएंगे। दिशा निर्देश? वो सब नहीं चल पाएगा हमारे साथ। और आप तो जानती है ना जीजा, कि जब फत्ता अपनी तलवार लेकर किसी भी अभियान के लिए निकल पड़ता है तो वो किसी की नहीं सुनता। जो भी उसके सामने आता है वो उससे मुंह से नहीं पर तलवार से बात करता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि आपके साथ हमारे कुछ दिशा निर्देश आपके साथ जाएंगे, आपको धरती पर रखेंगे, जोश में उड़ने से बचाएंगे। जीजा, पता, हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता, कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। ठीक है जीजा, किंतु केवल आपके लिए। खम्मा गणी रानी सा, कणी खम्मा, आज दशहरा की भीड़ अधिक होने वाली है, अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, आपके सेवक ने आपको कभी निराश नहीं किया और ना ही आज करेगा। हमारी दासी और कुंवर जगमाल से कह दीजिए कि हम उनकी प्रतीक्षा करें। जो कुंवर प्रताप रावण दहन करेंगे, ये समाचार देते समय आप इतना प्रसन्न हो रहे थे, तो अब
हमारे हाथों अपने दहन वाली बात पे भी आपको उतना ही प्रसन्न होना पड़ेगा। और पता है सबसे अच्छी बात, इस समय पूरे महल में कोई नहीं है, सारा महल रिक पड़ा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे मनोरंजन के लिए, केवल हमारे मनोरंजन के लिए आप अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले हैं। हमारी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा बलिदान, वाह! घोर प्रताप की जय! घोर प्रताप की जय! घोर प्रताप की जय! घोर प्रताप की जय! मैं वचन दीजिए फत्ता कि इस अभियान में कभी भी आप नकारात्मक सोच कभी अपने मन में नहीं आने देंगे। हर क्षण भर भरसक सकारात्मक बने रहेंगे। वाह जीजा वाह, बिना हमारे साथ आए भी आपने हमारी निगरानी के लिए हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें भर दी हैं कि अब ये फट्टा फट्टा नहीं रहा। और इस भीड़ में धक्के खाते रहा। क्या हुआ, आप डर रही हैं? रावण से डर रही? आप तो शिकायत करती हैं कि रानी मां आपको डरपोक समझती हैं। अभी वो डर के भागेंगी तो वे और दृढ़ता से आपको डरपोक कहेंगी। अगर कौन जगमाल होते क्या वे भागते? नहीं ना। अब से कुछ ही क्षणों में तुम एक मन दुखाने वाले सेवक से सीधा भव्य रावण में रूपांतरित हो जाओगे। थू थू कर चलने वाला भव्य रावण। लेकिन आनंद आएगा कैसे? बचाओ, बचाओ! क्षमा, क्षमा कर दो अभिराज। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कहाँ है आप कुंवर जगमाल? क्षमा कर दीजिए, मैं घर में बीवी बच्चे हैं, जाने दीजिए। मैं अब हम कभी महल में नहीं आएंगे बाबूराज, हम कभी महल में नहीं आएंगे। क्षमा कर दीजिए मैं बाबूराज। बचाओ, 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 बचाओ बाबूराज, घर में बीवी बच्चे, बाबूराज हमें क्षमा कर दीजिए बाबूराज, बचाओ, बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारी इन्हीं चीखों से तो हमारा आनंद चौगना हो रहा है। बचाओ, 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 बचाओ। कर क्या रहे हैं आप? आइए रानी माँ, आप भी इस मनोरंजन दृश्य का आनंद उठाइए। लेकिन रुकिए, आप हमारे रावण दहन में भाग लेंगी क्या? क्योंकि आप तो अपने प्रिय कुंवर प्रताप के पक्ष में है ना? बंद कीजिए अपना ये प्रलाप और हमारे साथ रावण दहन में चलिए। आपके दाजीरात फिर से कुपित हो जाएंगे आप पर। हो जाने दीजिए उन्हें कुपित, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दाजीराज
तो हर समय अपने प्रिय पुत्र प्रताप की कीर्ति फहराने के जतन करते रहते हैं। बड़े हो जाइए कुंवर जगनाल, बड़े हो जाइए। आपकी रानी माँ इतना कुछ करती है आपके लिए, आपको क्यों कम पड़ जाता है? तो आपने हमें सबके सामने अपमानित क्यों किया? वो इसलिए कि हम आपको अपमानित इसलिए करते हैं ताकि लोगों को ये विश्वास आ सके कि हमारा सर्वाधिक ध्यान कुंवर प्रताप पर है, आपका और हमारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। इसलिए आपको अपमानित करते हैं कि आपको इतनी सी एक बात बताइए हमें कुंवर चकमा, क्या आप पूरा जीवन कुंवर प्रताप के पीछे खड़े रहना चाहते हैं या राणा जी के बाद उनकी राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए? बताइए, नहीं चाहते आप? चाहते, चाहते, हम भी युवराज बनना चाहते, हम भी चाहते हैं कि दादा भाई की तरह सब हमारा सम्मान करें, हमें पूछे, हमसे प्यार करें। ऐसा ही होगा कुंवर चकमा, अवश्य ऐसा होगा। कोई बात नहीं, अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता, यदि वे आपसे भयभीत भी होते हैं तो आपकी रानी माँ प्रसन्न है उस बात पर। कुंवर चकमा, आपकी रानी माँ ने बहुत तपस्या की है, उस तपस्या का फल निकट आ रहा है। अब वचन देते हैं हम आपको, जैसा आप चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा होगा। धन्यवाद रानी माँ। अब चलिए। दाजीराज, कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि रावण दहन आप अपने शुभ हाथों से ही करते हैं, फिर ऐसी क्या आवश्यकता इसे तोड़ने की? आप ही कीजिए ना रावण दहन। एक बात बताइए रावण जी, यदि किसी पिता का पुत्र योग्य हो तो इसका अर्थ यह होता है कि उस पिता को अपने पुत्र की हर बात माननी आवश्यक है? जी नहीं राणा जी, संतान चाहे जितनी भी आज्ञाकारी और गुणी क्यों ना हो, पिता आखिर पिता ही होता है। रावत जी, अब कहना क्या चाहते हैं? हमारे प्यारे चित्तौड़ वासियों, राणा उदय सिंह जी ने यह निर्णय लिया है कि इस बार रावण दहन का संस्कार राणा उदय सिंह जी नहीं करेंगे, अपितु आप सबके प्यारे, आपके अपने बाऊजीराज प्रताप करेंगे। जीराज, बाऊजीराज प्रताप की, 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 बाऊजीराज प्रताप की। बाऊजीराज, आपका आदेश सर आंखों पे, पर जब तक रानी माँ नहीं आ जाती हम रावण दहन कैसे करेंगे? लीजिए, आपकी छोटी माँ भी आ गई। अब तो आप कोई बहाना नहीं बना सकते ना कुंवर प्रताप जी। चीता जी, चल विजय, देखिए हमारा मेवाड़ नाथ और बाऊजीराज प्रताप से मिलना अत्यंत आवश्यक है, कृपया हमें जाने दीजिए। सुनो, अगर तुम्हें राणा जैसे बात करनी है तो आपको इस उपहार लेने वाली पंक्ति में खड़ा रहना ही होगा। रावण दहन के बाद मेवाड़नाथ सबको उपहार बांटने वाले। हमें नहीं चाहिए कोई उपहार। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपको उनसे मिलना है। Thank you.
लीजिए आपके विशेष अवसर के लिए विशेष प्रसाद। धन्यवाद सौभाग्यवती। वैसे तो सब जानते हैं कि आपसे अच्छा प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। पर विशेष बात, ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि विशेष अवसर है। नहीं नहीं, कोई विशेष अवसर नहीं है। वो आज हमारा मन किया, इसीलिए हमने कान्हा जी को उनके रुचि का प्रसाद चढ़ा दिया। तो आपसे कह दिया बनाने के लिए। अजब दे, इतने वर्षों से तो आपको ये बात कभी ध्यान में नहीं आई थी। बेचारे कान्हा जी, तब से बेसन के लड्डू खा के ही अपना काम चला रहे थे। कितने त्योहार आए और गए, कितने अवसर आए और गए, पर कान्हा जी का तो वही प्रसाद रहता था। पर आज अगर उनके किसी भक्त ने उनकी रुचि पर ध्यान दिया है तो कोई तो बात विशेष होगी ही ना। हाँ, विशेष बात तो है। बिचौलिया के भविष्य के लिए हमने संदेश भेजा है चित्तो हुकुम के पास, और इस बार हम आशा करते हैं कि वो हमारे संदेश पर ध्यान देंगे और हमें अफगान सेना से निपटने के लिए हमें अवश्य सहायता भेजेंगे। अन्यथा अभी जो छोटी मोटी अतिक्रमण की घटनाएं घट रही है वो आगे चल के बहुत बड़ा संकट हो जाएगा और हमारे लिए संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बिचौलिया की सुरक्षा के प्रयासों का सोचे तो हाँ, आज का दिन विशेष है। बस यही बात है, कोई और बात नहीं है। पत्ता के चित्तौड़ जाने से जुड़ी कोई और आस नहीं है आपको? अजब दे, आप मान क्यों नहीं लेती कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं आस है कि इस अभियान की सफलता के साथ साथ कुंवर प्रताप भी आ सकते हैं यहाँ? सखी मानती हैं आप हमें, तो फिर सखी से अपने मन की बात कहने में झिझक कैसी? या आप हमें इस योग्य नहीं मानती? नहीं सौभाग्यवती, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब दुख सहते हैं फिर भी एक आस लगी रहती है। मन कहता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। आस कहती है। आस तक तो ठीक है, पर इस आस पर विश्वास मत कर बैठना, क्योंकि विश्वास का टूटना आस के टूटने से ज्यादा दुखदायी होता है। ये सारी बातें हम जानते हैं सौभाग्यवती, मगर ये मन इसका क्या करे? दादा भाई, क्या हुआ चांद? चलिए हमारे साथ। जब तीर से अब रावण के पुतले को जल के गिरते हुए देखेंगी आपके सारे भाई दूर हो जाएंगे। नहीं दादा भाई, नहीं। ठीक है, तो रावण पे तीर आप तानेंगी। क्या? हम कैसे? हम आपके साथ खड़े होकर कमान खींचकर लक्ष्य साधेंगे। आपको बस छोड़ना है, इधर तीर गया वहां रावण चित। पर कैसे दादा भाई, क्या ये हमसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आप हमारी बहन है कुंवर प्रताप की। नहीं नहीं दादा भाई, रानी माँ से कुछ मत कहिए। रानी माँ, क्या हम चांद को लेकर अपने साथ तीर वाले स्थल पे जा सकते हैं?
आपको हमारी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं गौर पिता, आपकी बहन है, अवश्य ले जाए। जब चांद के दादा भाई और इनकी रानी माँ को कोई आपत्ति नहीं तो हम ना बोलने वाले कौन होते। जाइए चांद। चलिए दादा भाई, क्या हम भी आपके साथ चलें? चांद, कौन जगमाल आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। क्यों? अरे हम क्यों उन्हें तंग करेंगे, ये तो हमारी छोटी बहन है ना। गौर प्रताप की जय। गौर प्रताप की जय। चीचा, आप भी ना। यदि हम यहीं खड़े खड़े पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते रहे तो लगता है हमारी सारी आयु यहीं बीत जाएगी। हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता, कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। और ऊपर से आपके ये दिशा निर्देश रह रह के हमारे मन में लट बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए सही, किंतु इन्हें बंद कर दीजिए जीजा, ताकि मैं ये काम अपने ढंग से कर सकूं। जीजा, हो गए। जीजा के दिशा निर्देश बंद हो गए। क्या हो गया भाई, किससे बात कर रहे हो? किधर जा रहे हो? रिक्शा में रहो। अरे पंक्ति में रह के क्या होगा, जाने दीजिए हमें। बस बहुत हुआ, जाओ और जाके कह दो कुंवर प्रताप से कि इस भीड़ में कोई ऐसा भी है जो उनकी प्रशंसा नहीं करता। दादा भाई, आप ये कमान तो और धनुष तो नहीं छोड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ खड़े हैं आपके पास। चांद, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। तीर हमें ऐसे मारना है जैसे रावण वहीं गिरे जहां हम चाहते हैं, ना दाएं ना बाएं, रावण की नाभि में तीर मारना है। दादा भाई, आप क्यों इनके पीछे समय गवा रहे हैं? ये हमारे मेवाड़ के सबसे कायर जीव हैं। नहीं कुंवर जगमाल, कायर वे नहीं होते जो डर को स्वीकार कर उसका सामना करने का प्रयास करते हैं। कायर वे होते हैं जो झूठे साहस के मुखौटे के पीछे छिपकर कायरों वाले कर्म करते हैं। वैसे अब तक थे कहाँ? बड़ी देर कर दी आने में। कहीं नहीं दादा भाई, बस यूं ही। खड़ी बहू जी राज, कुछ बताना है आपको? कुछ देर के लिए पकड़िए, वहां भी आते। नहीं नहीं दादा भाई, आप कहीं मत जाइए,
हमसे ये नहीं होगा, नहीं तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। डरिए मत, हम कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल आपके पास खड़े। कौन जगमाल? हाँ दादा भाई। नहीं नहीं दादा भाई नहीं, अभी आते हैं। बाबूजी राज, भीड़ में एक युवक आपके लिए अनर्गल बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आपका प्रशंसक नहीं है, कह रहे हैं हम आपको जाके, आप बोले तो हम उसे बंदी बना ले इस अपराध में। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, हम तो स्वयं उपग हैं अपनी जय जयकार सुनते सुनते। अच्छा हुआ कोई तो हटके मिला पजामे। जी हुकुम। हमने लक्ष्य को लेके अपना विचार बदल दिया है। दादा भाई नहीं, दादा भाई हमें डर लग रहा है। दादा भाई नहीं, दादा भाई नहीं। अब तो तीर ऐसी जगह मारूंगा पकड़ भी मच जाएगी और मजा भी आएगा। वाह चांद, आपने तीर चला ही दिया। का आशीर्वाद है कि आप दोनों बच गए। चांद, हमने आपको समझाया था ना
कि जब तक दादा भाई नहीं आए तब तक तीर मत चलाना, तो फिर आपने तीर क्यों छोड़ा? हाँ चांद, आपने क्या आवश्यकता थी आपको ये मूर्खता करने की? क्यों तीर छोड़ा आपने, बताइए? इसी रावण से डरती है ना आप? झोंक दे इसमें आपको। बस रानी मां, बस। नहीं कुंवर प्रताप, यदि इनकी भूल के कारण आपको कुछ हो जाता तो? हम बिल्कुल ठीक हैं, आपके समक्ष खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ। गलती इनकी नहीं, हमारी थी। हम एक और चले गए थे सुरक्षा कर्मी से बात करने, उसी बीच दुर्घटना घटी। अरे आपका तो हाथ चल गया है। आइए वैद्य जी के पास ले चलते हैं। राजी राज, आपको बचे हुए संस्कार पूरे करने चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य हो सके। लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं रावण दहन देखने के लिए। दुखी स्मृति के साथ उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। सुखी रहो। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु हम यहाँ ये उपहार लेने नहीं आए। तो फिर क्या करने आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ कुंवर प्रताप से मिलने आए हैं। कुंवर प्रताप सिंह यूं ही नहीं मिलते सबसे। चलो आगे बढ़ो और औरों को आने दो। ने कहो आगे बढ़ो, हट जाओ। क्यों ले हम ये उपहार जबकि हमें हमारे साधारण से अधिकार तक प्राप्त नहीं हो सकते? तुम्हारा इतना दुस्साहस? तुम हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो? कौन हो तुम? नाम है फत्ता। काम लड़ना और राज्य बिचौलिया। राणा जी, इस मूर्ख को तो यह भी पता नहीं कि बिचौलिया एक राज्य नहीं बल्कि मेवाड़ का एक हिस्सा है, और अभी यह अपने राजा के सामने खड़ा है। अरे कहाँ के राजा, कैसे राजा? जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिचौलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए कि यदि मेवाड़ बिचौलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम है। राजद्रोह की भाषा बोल रहे हैं ये, बंदी बना लिया जाए इन्हें। धमन सिंह आप देख क्या रहे हैं, बांध दिया इन्हें। रुकिए धमन सिंह, पहले हम सुन तो लें कि ये कहना क्या चाहता है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया है बिचौलिया पर? राणा जी, आप मेवाड़ नरेश हैं, एक राजद्रोह की भाषा बोलने वाले की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। तुरंत इस आदमी को बंदी बना लिया जाए। रावत जी, कोई गलत बात कह रहे हैं हम? और धमन सिंह जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्षमा कीजिए रावत जी, लेकिन इसके इस सार्वजनिक राजद्रोही अपराध के लिए हमें इसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल देना चाहिए। यदि हमें पता होता कि यहां बहरे बैठे तो हम अपनी बात सुनाने यहां आते ही नहीं। बस! बहुत हो गया, हमें पहले ही धीर भाई जी की बात मान लेनी चाहिए थी। बंदी बना लो इस राजद्रोही को तुरंत।
अब चांद भाई सब बिल्कुल ठीक है बाबूजीराज। ठीक तो होना ही था इन्हें, क्यों अपने घाव देख रहे हैं आप? इन्हें ये समझे कि ये अपने भाई को जीतने वाले किसी बड़े युद्ध से मिले घाव है, और वो युद्ध आप जीत चुकी हैं। वैसे आपने इतना साहस आया कैसे? दादा भाई, आप कैसी स्थिति में देखकर हमसे? इन्हें विश्राम के लिए इनके कक्ष में ले जाया जाए। बाबूजी राज, अब आपके घाव भी हमें औषधियुक्त द्रव्य से धोने दीजिए। पकड़ा जाए। कहां जाओगे पता? यदि आप किसी संकट में घिर जाओ तो इस कबूतर से हमें अपना संदेश पहुंचाना, फिर हम अपना भाप लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। को ये भागने ना पाए। पकड़ो इस राजद्रोही को, कहीं भागने ना पाए। बिजोलिया का एक नागरिक राणा जी के इतने निकट आ गया। ध्यान कहां था आपका धमन सिंह जी? क्या काम सौंपा था हमने आपको? क्या इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हम आपको इसलिए देते हैं धमन सिंह जी? क्षमा कीजिए रानी सर, दशहरे में इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि सब पर नजर रखना कठिन हो गया। लड़का ना जाने कैसे, कौन कहां से आया, कैसे आया, इसे देखना आपका काम है, हमारा नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि इतने वर्षों में हमने बिजौलिया और राणा जी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है। न बिजौलिया से कोई समाचार राणा जी तक पहुंचा है और न चित्तौड़ से कोई सहायता बिजोलिया तक पहुंची है। क्या चाहते हैं आप? कि हमारे इतने श्रम को आपकी एक साधारण भूल से नष्ट किया जाए? तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। आप चिंता ना कीजिए रानी सर, बिजोलिया का विद्रोही लड़का कोई भी हिंसा कर पाए उससे पहले वो पकड़ा जाएगा और मार दिया जाएगा। फिर यहाँ क्या खड़े हैं, जाइए और अपना काम पूरा कीजिए। अरे सुनो, शांत हो जाओ। यदि तुम शांत नहीं हुए तो हम तुम्हें लेकर चित्तौड़ से भागेंगे कैसे? और यदि हम चित्तौड़ से नहीं भाग पाए तो जीजा बिजोलिया से यहाँ आ जाएंगी हमारी सहायता करने। इसलिए कह रहा हूँ मित्र, इस संकट की स्थिति में हमारी सहायता करो। कृपया शांत हो जाओ, चलो हमारे साथ, चलो चलो। हम तुम्हें पाताल लोग नहीं लेकर जा रहे, बिजोलिया लेकर जा रहे, चलो ना मित्र। ये चित्तौड़ के अश्व किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं है। अर्थात चित्तौड़ के अश्व भी यहाँ के राज्य अधिकारियों की तरह बहरे हैं।
राजद्रोही पकड़ा गया है। पकड़े जाने के बाद भी इतना आत्मविश्वास, इतना घमंड। यदि हम जैसे निर्भीक नागरिकों को यहां राजद्रोही कहने का चलन चल पड़ा है तो हाँ, है हम राजद्रोही। तुम्हारी अनर्गल बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। साफ साफ बताओ, तुमने क्या राजद्रोह किया है? तुम जैसे एक साधारण से अश्वरक्षक के प्रश्नों का उत्तर क्यों दे भला? साफ साफ प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सिपाहियों को बुला के तुम्हें बंदी बना देंगे। बताते हैं तुम्हें। वैसे भी बताना क्या है, सच तो यही है कि आज बिजोलिया का बच्चा बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है, क्षुब्ध है। मेवाड़ की उदासीनता, वैसे मान लो यदि अभी कुंवर प्रताप खिड़की से आकर आपके सामने खड़े हो जाएं और अपने किए के लिए आपसे क्षमा मांग लें, तो आप उनसे क्या कहेंगी? चले जाइए यहां से। हाँ, यही कहेंगे हम उनसे। क्या? और नहीं तो क्या? हमें क्या पता वो कैसे दिखते हैं अब? और हमें तो यही लगेगा ना कि ये कौन अपरिचित घुसा है यहाँ पर। भगवान, रत्ता का संदेश, वो संकट में, इसका मतलब हुकुम ने सहायता देने से इनकार कर दिया। दीपू, हमें तुरंत चित्तौड़ जाना है, जाकर सारी अवश्य तैयारियां कीजिए। जी भाई साहब। अब तुम ही बताओ, इतने न्यायप्रिय बने फिरते हैं कुंवर प्रताप, फिर बिजोली आते समय क्या हो जाता है उनकी न्यायप्रियता को, उनके राष्ट्र प्रेम को, प्रजा प्रेम को? और आज जब शत्रु हमारे द्वार पर बैठा, हमें देखे जा रहा है, आंखें दिखाए जा रहा है, तो हम ऐसे समय में भी हमें यहां से किसी भी सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम भी कैसे मूर्ख हैं, सैनिकों से भागने के अतिरिक्त यह तुम्हें अपनी दुविधा सुना रहे हैं। बंदी नहीं बनना चाहते हो तो चुपचाप यहां से भाग जाओ। क्या तुम हमारी यहां से भागने में सहायता कर रहे हो? नहीं, यदि हमारे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो जीजा हमें छोड़ेंगी नहीं। अगर ऐसी बात है तो अपने जीजा से कह देना कि कोई हमें यहां हाथ तक नहीं लगा सकता। अब जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें बंदी बना ले, जाओ यहां से। अपने सिपाहियों से कहिए उसे जाने दे। किंतु बाऊजी राज, वो राजद्रोही है। और हम इस राज्य के युवराज हैं। हुक्म। जब भी बिजोलिया की बात सामने आई है, उसने सदा हमें मरमान तक पीड़ा ही पहुंचाई है। आज जब वो बिजोलिया का लड़का हमसे अपमानजनक ढंग से बात कर रहा था, तो हमें वो दिन याद आ गया जब हम अपने प्रिय मित्र के अंतिम दर्शन करने गए थे।
बचाई और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहां से बाहर जाने का मार्ग दिखाई। और ध्यान रहे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। और वहां अंसा बाई जी ने हमारा अपमान कर दिया था। भूल जाइए पुरानी बातों को राणा जी, हमें तो आपको ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज सारी भूल कुंवर प्रताप की थी। अब आप ही बताइए, पट्टा को भगाने की क्या आवश्यकता थी? राजद्रोही के साथ तो कठोरता दिखानी पड़ेगी ना। पट्टा बिजोलिया से आता है तो उसके अपराध क्षम्य हो गए ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना कि राजद्रोही होता है। खमागणी दाजी राज, कुंवर प्रताप हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक राजद्रोही को भगाने में सहायता कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि बिजोलिया का मेवाड़ से अब कोई नाता नहीं है? फिर कैसे होने दिया आपने? बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं आप चित्तौड़, एक बार फिर अपमानित होना चाहती हैं क्या? अरे पत्ता कोई तो छुड़वाना है, ये कार्य तो हम राजनीतिक स्तर पर भी सुलझा सकते हैं ना, इसके लिए आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, बात केवल फत्ता की नहीं, बात हमारे स्वाभिमान की है। बिचौलिया की सहायता के लिए जिसे हमने वहां पर संदेश लेकर भेजा था, उस पर आक्रमण करके उन्होंने हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। बिचौलिया के स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। जिस चित्तौड़ ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, जिस चित्तौड़ के कारण आपकी माँ विधवा हो गई, उसी चित्तौड़ के राजा के सामने हाथ फैलाएंगी आप? क्या कहेंगी? यही ना, चित्तौड़ की बहू बिजोलिया के वीर पुत्र के लिए आपसे दया की भीख मांग रही है। देख लीजिएगा, पत्ता तो स्वयं इस याचना का विरोध करेगा, अब देख लीजिएगा। चुप क्यों है कुंवर प्रताप? उत्तर दीजिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए आपका। दाजीराज, हमने सुना कि आपने उस लड़के को राजद्रोही घोषित कर दिया क्योंकि उसने बिजोलिया को एक राज्य कह दिया था। बिल्कुल, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे यह नहीं पता था कि बिजोलिया मेवाड़ का एक अभिन्न अंग है? आपने अभी जो बातें कही उससे तो कुछ और ही आभास हो रहा है हमें। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब हम भी तो यही कह रहे हैं इतनी देर से कि बिजोलिया से हमारा कोई नाता नहीं, बिजोलिया का सदस्य, बिजोलिया की समस्या, बिजोलिया का राजद्रोही, जबकि वो लड़का वो तो बिजोलिया का राजद्रोही है ही नहीं और ना ही वहां की जनता। जब बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग है तो फिर वो हमारी प्रजा है, मेवाड़ की प्रजा है। अगर प्रजा किसी कारणवश हमसे रूठ जाए, अगर वो अपने राजा से किसी कारणवश कोई शिकायत करे तो उनसे तो फिर आपके पास क्या उपाय है अपनी इस तथाकथित प्रजा की समस्या के निदान का? हम बिजोलिया जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां की समस्या क्या है, स्थिति कैसी है। हम बिजोलिया जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां की समस्या क्या है, स्थिति कैसी है।
कुंवर प्रताप, हमें कुछ समय चाहिए इस विषय पर सोचने के लिए। चीता जी राज, चलते हैं रानी मां। हमें कुंवर प्रताप को रोकना होगा, वरना हमारे इतने सालों का बना बनाया खेल समाप्त हो जाएगा। हम वहां पर चित्तौड़ की बहू बनकर नहीं, बल्कि मेवाड़ की बेटी बनकर जा रहे हैं माँ, क्योंकि आज भी बिचौलिया मेवाड़ का ही अंग है, भले ही हम वहां के राज परिवार में बहू बनने के अधिकार से वंचित हो चुके हो, पर मेवाड़ की प्रजा के नाते हम अपने नागरिक अधिकार तो उठा ही सकते हैं। अपमान सहने के बाद भी आपने बना ही लिया है चित्तौड़ जाने का अपना। हाँ। राणा जी, कुंवर प्रताप के बिचौलिया जाने के बारे में आपने खुद सोचा? धीर भाई जी, सांझ होने के बाद आपके हाथ का मीठा पान खाए बिना बुद्धि कहाँ आती है हमें? बस आपके पान के अतिरिक्त कुछ समझ ही नहीं पाते। शीघ्र लाइए ना। आप ही का पान तो बना रहे हैं राणा जी। आपने हमें बताया नहीं कि कुंवर प्रताप की बिचौलिया जाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक बार पान तो मुंह में जमा लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे बोल देंगे। जी, हमें लगता है कि आप कुंवर प्रताप को बिचौलिया जाने से साफ साफ मना कर दीजिए। परंतु हमको लगता है धीर भाई, हम बताते हैं, आप कुंवर प्रताप से कहिएगा कि वे भली बातें जानते हैं कि अब हमारा बिचौलिया से कोई संबंध नहीं। ये मेवाड़ का बिचौलिया के साथ अब कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य का बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते। राजीराज, आपके समक्ष कुछ कहने से पहले हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। अवश्य। रतन सिंह, और प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? आप हमें मेवाड़ क्यों दिखा रहे हैं? हम भली बात ही जानते हैं कि मेवाड़ कैसा दिखता है। आपको पता है कैसा दिखता है? समूचा एकीकृत मेवाड़।
कुमार प्रताप, क्या किया है आपने? हुकुम, यदि हमने इसे जोड़े रखने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा दिखेगा हमारा मेवा। आज बिजोलिया में विद्रोह की हवा बह रही है, पर हमें यह देखना चाहिए कि कल कोई और सामंत प्रदेश हमारे विरोध में हमारे सामने उठ खड़ा ना हो जाए। हुकुम, आप तो जानते हैं इतने वर्षों से हम अपनी सीमाओं को बाहरी ताकतों के विरुद्ध सुदृढ़ करने में व्यस्त रहे हैं, किंतु यदि मेवाड़ के अंदर शांति, विश्वास और एकता न रह पाए तो भला सीमाओं की दृढ़ता का क्या करेंगे? हम जानते हैं हुकुम कि कई वर्षों से हमारे और बिजोलिया के बीच के व्यक्तिगत संबंध सामान्य नहीं चल रहे हैं, और हमें भी उन्हें पुनर्जीवित करने में कोई रुचि नहीं। हुकुम, हम बिजोलिया जा रहे हैं, वहां की प्रजा क्या है, उनकी समस्याओं के लिए, उनके असंतोष को समझने के लिए। बिजोलिया के किसी भी व्यक्ति से ना तो हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध है और ना रहा है। राणा जी, बाऊजी राज प्रताप का कहना एकदम ठीक है। बिजोलिया मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, इस तथ्य से हम भी इनकार नहीं कर सकते, और यदि वहां पर विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन परिस्थितियों की जांच पड़ताल आवश्यक है, और इस कार्य के लिए राणा जी बाऊजी राज प्रताप से अधिक उपयुक्त व्यक्ति भला और कौन हो सकता? हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। ठीक है कुंवर प्रताप, जाइए आप। धन्यवाद हुकुम। जय एकलिंग जी। बैठक स्थगित। रावत जी। जी रानी सर। आज की बात तो ठीक है, परंतु राणा जी की बात का उन्हीं के पुत्र के सामने खंडन करना ये हमें अच्छा नहीं लगता, विशेषकर तब जब आप ये करते हैं। जी रानी साहब। अम्मा खड़ी राणा जी। आपके विश्राम का समय हो गया राणा जी। बाऊजीराज, आपके इस वेश में हम आपको पहचान नहीं पाए तो भला अजब देव ऐसा कैसे पहचान पाएंगी? चक्रपाणि, हम उनके लिए अपरिचित थे और अपरिचित ही रहेंगे। चलते हैं। चलो चित्तौड़ को जाकर बताते हैं कि हम कोई अपरिचित नहीं है उनके लिए। बाऊजीराज, हमें एक बात नहीं समझ रही, बिजोलिया के लिए इतने जल्दी जाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब वहां पे जो समस्या हो रही है वो एक दो दिन में कौन सी अधिक बढ़ जाएगी? अच्छा, अब समझ आया। अचानक अजब देव ऐसा? नहीं नहीं, अब हमारा मतलब है अजनबी। कहीं अजनबी से प्यार तो नहीं उमड़ रहा है बाऊजीराज? सच कहा किसी ने चक्रपाणि मिश्र, व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानवान क्यों ना, उनकी मूल प्रवृत्तियां कभी नहीं बदलती। जैसे कि आपकी व्यर्थ बातें करने की प्रवृत्ति आज तक नहीं बदली। हम तुरंत इससे निकले ताकि बिजोलिया प्रवेश करने के लिए हमें किसी का साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए बाऊजीराज?
अभी पता चल जाएगा। भूख के मारे खाली पेट गड़गड़ 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 किए जा रहा है, ऊपर से आखेड़ भी नहीं दिख रहा। फत्ता, लगता है अपनी पेट पूजा के लिए तुझे आखेड़ मिल ही गया। दुर्भाग्य तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, ऊपर से ये भूख। हाँ, बहुत भूख लगी है। अब तुम नहीं बचोगे। तुम तो वही अश्वशाला वाले अश्वरक्षक हो ना? हाँ, और मेवाड़ की धरती पर निरीह जानवरों को नहीं मारने देंगे तुम्हें। यहाँ इतने समय से भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अब क्या हम आखेड़ भी ना करें, भूखे मर जाए? देखो, हम कहते हैं हट जाओ हमारे सामने से, और हमारे तीर पर सामने से तो हटो। और देखो, बिजोलिया चित्तौड़ की सीमांत क्षेत्र में ही आता है, तो तुम हमें आखेड़ करने से कैसे रोक सकते हो भला? बिजोलिया हो या चित्तौड़, ये सब मेवाड़ ही है, और मेवाड़ हमारी मातृभूमि है। तुम्हारे नियम तुम ही जानो, किंतु हम चित्तौड़ का नमक नहीं खाएंगे। हम तो केवल वही खाएंगे जो हम अपने हथियारों से और अपने पुरुषार्थ से आखेड़ कर अर्जित करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे हम 5-5 व्यंजन वाला भोजन करने जा रहे हैं। भोजन अधिक है, अकेले समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपका अश्व देखा, सोचा आपको निमंत्रित कर लें भोजन के लिए। अरे रुकिए, रुकिए तो आप भी ना, छोटी सी बात को लेकर बुरा मान गए। कुछ कह रहे थे वो व्यंजन कितने, 2-3 5 व्यंजन, 5 मीठा जोड़कर 6 व्यंजन। भाई साहब, हमने आपके कहे अनुसार चित्तौड़ पहुंचने का सबसे छोटा पर सबसे दुर्गम मार्ग चुना है। आप थक गई होंगी, मुझे विश्राम करना चाहेंगे आप? नहीं, हम बिना रुके एक दिन और चल सकते हैं। अपने भाई की कुशलता की इतनी चिंता है हम। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, माना कि पत्ता क्रोध में होश खो देते हैं, बट मेरा मन करता है जब तक हम चित्तौड़ पहुँचेंगे तब तक वो अपनी रक्षा कर सकते हैं।
इतनी बुद्धि तो है उसमें, कह नहीं सकते। पता नहीं क्या हो रहा होगा उनको। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। अब वैसे शायद आपने मीठे के बारे में भी कहा था, मीठा कहाँ है? मीठा तो यहाँ है। अब यदि एक और मिल जाता तो। हाँ हाँ ले लो, सारे ले लो। नहीं नहीं नहीं, केवल एक ही। आज तो आनंद ही आ गया। अच्छा तो हम चलते हैं। आपने एक दिन में हमारी जितनी सहायता की है उतनी तो आपके राजा ने इतने वर्षों में भी कभी नहीं की। पहले तो आपने हमें उन सैनिकों से बचाया, अब जाओ जाओ शीघ्र ही सिपाही आए होंगे। फिर हमें इतना स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन खिलाया। यदि आपके राजा को यह ज्ञात हो गया कि आप साधारण व्यक्तियों के साथ इतना भला व्यवहार करते हैं तो कहीं वो आपको भी राजद्रोही घोषित ना कर दें। हमें भी इस बात का भय है कि हमारी राज नौकरी चली ना जाए। किंतु क्यों, फिर खाएंगे क्या, घर कैसे चलाएंगे अपना? पानी लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ तुम यही कह रहे थे कि आपका इतना गठीला शरीर है, इसे बनाए रखने के लिए आपको उचित भोजन की आवश्यकता तो लगेगी। हमारी बात माने तो आप चुप करके अपने उसी राजसी नौकरी पर वापस लौट जाए, ठीक है मित्र? मित्र कहा है तो फिर हमें भी ले चलिए अपने साथ बिचुलिया। हम भी तुम्हारे मेवाड़ के राजा और राज परिवार के विरुद्ध हैं, और विशेष रूप से कुंवर प्रताप के विरुद्ध भी। चिंता मत कीजिए, उनके विरुद्ध भी आपके साथ संघर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे। नहीं मित्र, हम आपको बिचौलिया नहीं लेकर जा सकते। हम बिचौलियावासी किसी भी अपरिचित पर विश्वास नहीं करते। हमारा साथ यहीं तक का लिखा था। आपने हमारे लिए अब तक जो कुछ भी किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजीराज आप क्या करेंगे? आपकी योजना तो इसे सहारा बनाकर बिचौलिया चलने की थी, पर ये तो मस में खा पी के मुंह उठा के चल दिए। जाएंगे जाएंगे कहां? हमारी इच्छा के बिना दस हाथ नहीं जा सकते। जा सकते ऐसा क्या बात है? हम चित्तौड़ आ चुके, अनुभव कर सकते हैं। क्या बात है बाबूजी राज, कुछ नहीं चक्कर पाने, बस पता नहीं चक्रपाणी ऐसा लगा जैसे यह हवा अपने संग कुछ पुरानी भूली बिसरी स्मृतियां लेकर आ रही है। कुछ नहीं भाई साहब, ठीक कह रही है, चित्तौड़ में अभी हम। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने वर्षों के बाद भी इतना घुमावदार रास्ता याद रहे क्या आपको? हम कुछ भी नहीं भूले,
परंतु इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई को हमारी जरूरत है। पत्ता को इस समय हमारी आवश्यकता है। हमें उसे किसी भी मूल्य पर बचाना है। चलो चलिए। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजय, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। अच्छा है मामरा जी, आप यहां पर स्वयं ही आ गए। ले जाइए अपनी पुत्री को यहां से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेश नहीं भिजवाते। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजय। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम।